कामयाबी भी हासिल की है। अब अगला कदम टेररिज्म के फाइनेंशियल नेटवर्क को डिसरप्ट करने की दिशा में लिया जा रहा है और इस फाइनेंशियल नेटवर्क को हम डिसरप्ट करने में कामयाबी हासिल करेंगे, यह भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज पाकिस्तान को ग्रे के सारे शेड्स नजर आने लगे हैं। यदि वह टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा तो उसका ब्लैक लिस्टेड होना तय है। शायद महंगाई और मंदी के संकट से घिरे पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट होना आतंकवाद के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगा। इसे आज 26/11/2021 हमें भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आए इस बदलाव को समझना चाहिए। और मगर कुछ ऐसा भी है जो मुंबई में 26/11 जैसी बड़ी घटना के बावजूद नहीं बदला है, वह तो मुंबई का स्पिरिट नहीं बदला है। आतंकवादियों ने जिस छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल को तबाह करने की कोशिश की थी, वहां ट्रेन और यात्रियों का आवागमन पहले से भी कई अधिक बढ़ गया है। जिस ताजमहल होटल को जमीन में मिला देने का सपना उन आतंकवादियों ने देखा था, वह पहले से अधिक सम्मान और स्वाभिमान के साथ और पूरे ग्रैंडेयर और स्प्लेंडर के साथ वह खड़ा है। जिस मुंबई शहर की बैकबोन तोड़ने का आतंकवादियों ने मंसूबा देखा, वह मुंबई आज दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब्स के रूप में शोहरत हासिल कर रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति कुछ देशों को रास नहीं आती है। भारत से यह रिक्शा उन्हें रसातल की तरफ ले जाएगी और मुंबई पर उनका बार बार हमला करना उनकी इसी सोच को दिखाता है। इसलिए हमारी कोशिश है यहां हम मुंबई स्पिरिट को सहेज कर रखें, वहीं भारत की ओर बुरी नजर से देखने वालों को हम समेट कर देखें। जब से हमारी सरकार ने भारत विरोध को ही अपना अस्तित्व मानने वाले पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करना शुरू किया है तो पूरी दुनिया में उनके प्रधानमंत्री त्राहिमाम करते हुए इधर और उधर भटक रहे हैं। मुंबई में हुआ 26/11 केवल उस शहर का ही नहीं, इस शहर का ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ऐसा मैं मानता हूं। और इस घटना में आतंकवाद के खिलाफ इस देश के रिजॉल्व, इस देश के संकल्प को और मजबूत किया है। भारत के इस संकल्प को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि यही मुंबई स्पिरिट के हित में है और यही इंडिया स्पिरिट के भी हक में है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए आज का यह कार्यक्रम जो आयोजित किया है, इसके लिए यह समूह बार बार बधाई का पात्र है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज में यकीन रखता है, वैसे ही मुंबई शहर ऑप्टिमिज्म और करेज का भी प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः 26/11 को शहादत देने वाले सारे ऐसे शहीदों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हम आपके आभारी हैं। एक बार फिर से उनके लिए जोरदार तालियां। Now, ladies and gentlemen, we have a very special moment here today. Juhi Karkare Nivare has written a book in the memory of her father, Hemant Karkare, a daughter's memoir. Can we please request?
Thank you.
request Mr. Anand Goenka to please escort our Honourable Minister and our Chief Guest, Shri Rajnath Singh Ji, on the stage as well. सहित सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कुछ पलों के लिए वो मंच पर रहें और एक प्यारी तस्वीर के लिए मैं बुलाना चाहता हूं आतंकवादी हमलों से पीड़ित परिवारों के सदस्यों को इस मंच पर। सारे जो परिवार हैं वो यहां मंच पर आए, जल्दी से आए एक तस्वीर के लिए। हमारे सारे खास मेहमान स्टेज पर हैं। अरे अरे यार, आवाज़ कैसा नहीं, एम बेस पे है पूरा एम। हमारे खास मेहमान स्टेज पर इस वक्त खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। हम बुलाना चाहते हैं हम लोग से पीड़ित परिवारों के सदस्य को जो इस मंच पर आएंगे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के लिए। तो जल्दी करके मंच पर आइए एक शानदार तस्वीर के लिए।
आइए आइए। काफी तो बंद था। हाँ हो गया। मेरा जेब बंद है आपकी। हाँ चलो। मेरा जेब जहाँ के भी हैं यहाँ परिवार के सारे जो सदस्य हैं मंच पर हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए एक खूबसूरत तस्वीर के लिए यादगार तस्वीर के लिए। थैंक यू आप इस सब मंच पर आए और हमारे खास मेहमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए हैं जो सारे परफॉर्मर्स रहे हैं इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एंड आई वुड लाइक टू थैंक पार्टनर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फेसबुक अदानी ग्रुप और हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार इंडिया का बहुत धन्यवाद। स्टार प्लस पर इस कार्यक्रम का शनिवार 30 नवंबर रात 9:30 बजे प्रसारण होगा। आप इसे हॉटस्टार पर भी देख पाएंगे। इसी के साथ हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड एसोसिएट पार्टनर्स टाटा सन्स LIC IIFL हीरानंदानी मुंबई खादी एंड MIDC और हमारे खास सपोर्टिंग पार्टनर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीकॉम पार्टनर्स वोडाफोन रेडियो पार्टनर बिग FM यूथ पार्टनर युवा प्रोडक्शन पार्टनर प्राइम फोकस आउटडोर मीडिया पार्टनर प्राइस्ट आउटडोर का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। ये प्रोग्राम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई पुलिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई और इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था इसलिए सबको इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से खास धन्यवाद। और इवेंट प्रोड्यूस करने के लिए विस्ट्राफ्ट का बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही शामक टावर डांस कंपनी को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे और इस कार्यक्रम के डायरेक्टर आनंद तिवारी को भी बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इंडियन एक्सप्रेस का धन्यवाद और जय हिंद। तो निकल